नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। आज हम गिरते हुए शिक्षा के स्तर पर और नैतिक मूल्यों में गिरावट के मुद्दों पर बात करेंगे। पेश है ये खास रिपोर्ट। शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए और नैतिक मूल्यों में गिरावट का जिम्मेदार कौन के मुद्दे पर स्कूल व शिक्षाविदों से आइए दिखाते की गई बातचीत। सुरेश कुमार, प्रिंसिपल, ज्ञानदी पब्लिक स्कूल, लहराना, पलवल। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सबसे मेन टीचर्स तो यही है, इसके साथ साथ पेरेंट्स का जब तक कॉपरेशन नहीं होगा तब तक नैतिक मूल्यों में गिरावट का सबसे मेन जो है वो है पेरेंट्स ही मानेंगे हमें इस चीज़ को, क्योंकि जो बच्चों को आज के टाइम में जो चीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है, मोबाइल है, टीवी है, उनमें वो चीज़ है जो बच्चों के बहुत एक्स्ट्रा है। बच्चे जो सीखने की जगह उनसे कुछ मतलब गलत वो लेते हैं, ना कि कुछ सीखने से करना चाहिए। लेकिन ये जो हमारी थिंकिंग है ये है 10th लेवल से ऊपर हमारे, बिल्कुल आज के टाइम में जो पहले जो शिक्षा थी एक दान के रूप में दी जाती थी, लेकिन आज ये व्यवसाय है। लेकिन ये सभी स्कूल के लिए लागू नहीं होता हर स्तर पर। ये जो कुछ गिने चुने स्कूल्स ऐसे हैं जो इसको बहुत हाई लेवल पे फीस लेते हैं, जो देहात लेवल पे जो स्कूल है ये बिल्कुल बहुत नॉर्मल फीस है इनकी, पर जो गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं 134 के तहत जो भी है हर चीज़ उनसे एक्स्ट्रा भी देते हैं। लेकिन जो शहर में बड़े बड़े स्कूल हैं उनमें ये दिनचर्या वो टाइम टेबल से रहना, जगना, अपने दिनचर्या जो है फ्रेश होना, सुबह पढ़ना, ये चीज़ अपने। अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।